रखा जाना चाहिए ताकि हिंदी पर दो बुक पुस्तकें एक साथ ना हो। मतलब हमारे पास इंग्लिश की 21 है, हिंदी की 19 है, उनको इकट्ठा ही रखना है, लेकिन ऐसे रखना है कि दो हिंदी की बुक्स इकट्ठी नहीं आनी चाहिए। ठीक हो, देखते हैं। हिंदी की बुक्स इकट्ठी नहीं आनी चाहिए, मतलब वो इंग्लिश की बुक्स के बीच में ही आएंगी और हिंदी की बुक्स तो थोड़ी है, कम है, तो फिर क्या होएगा? कुछ ना कुछ तो स्पेस बचेगी ना। इंग्लिश की बुक्स इकट्ठी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उन्होंने बोला ही नहीं इंग्लिश की बुक्स के बारे में, हमें तो हिंदी की बुक्स इकट्ठी नहीं आनी चाहिए। तो हम ये देखते हैं कि हिंदी की बुक्स रखने के लिए हमारे पास ऑप्शन कितनी बनती है। देखो, इंग्लिश मैं ई लिख रही हूँ, दैट मीन्स वहां पर इंग्लिश की बुक्स है। ए कितनी है? 21 है, लगा दो पहले। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सतारह, अठारह, उन्नीस, बीस, इक्कीस। अब इसके बीच में हिंदी की बुक्स आएंगी। क्या पता मैं हिंदी की बुक्स याद रखूं, फिर दो बुक स्पेस छोड़ के फिर मैं शुरू कर दूं, क्योंकि 19 है ना हिंदी की बुक्स, तो इसके बीच में आएंगी, पर वो स्पेस कहां पे छोड़नी मेरे को क्या पता। तो इसलिए पहले हम देखते हैं कि हिंदी की बुक्स रखने के लिए ऑप्शंस कितनी है मेरे पास। मैं शुरुआत में तो हिंदी कर सकती हूँ और लास्ट में भी हिंदी कर सकती हूँ, तो इसलिए पहले ऑप्शन ढूंढते हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सतारह, अठारह, उन्नीस, बीस, इक्कीस, बाईस। मतलब हिंदी को रखने के लिए मेरे पास ऑप्शन कितनी है? 22 ऑप्शन है, लेकिन मेरे को चाहिए कितनी ऑप्शन, मतलब लेनी कितनी है बुक्स? 19 ही है मेरे पास, उनको ही करना है। तो इसको ओपन कर देते हैं, वही इनका डिफरेंस कम है तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा? 22C3। ओपन करते हैं इसको। 22 × 21 × 20, क्योंकि 3 है तो 3 ही नंबर आएंगे। नीचे क्या आएगा? 3 से शुरू हो जाओ, 3, 2, 1। 3 के टेबल पे 7 पे गया, 2 के टेबल पे 10 पे गया, तो कितना हो जाएगा? 22 × 7 को 10 से करा 70 आ गए, करो 0 तो आएगा ही आएगा। 7 को 2 से करा 14, 1 आ गया। 7 को 2 से करा 14 और 1 15, तो इसका आंसर कितना बन गया? 1540। ये तो पहले वाले का लगा हुआ है, 1540 ऑप्शन आ गया बी।